सुनो ईश्वर के व्यो मणिया सदराम नाल सुनो
से करे सचो सतराम अस्ता जे हो सचे सतराम की तेरे सतगुरु तुझे बुला रहे हैं और तुझे उन्हीं के पास होना चाहिए। वैसे भी तू उन्हीं का है। माता मैं तो तेरा हूँ, कहाँ जाऊं? नहीं बच्चे, तुम रहर के साहब के दरवेश शहनशाह सतगुरु साईं सतराम दास साहब जी के हो। हमारे यहाँ तुम उनकी अमानत हो। वो यहाँ जरवार आए हुए हैं, जाओ जाकर उनका आशीर्वाद लो। और वो 7 बरस का नन्ना बालक अपनी माता की बात मानकर अपने सतगुरु से मिलने निकल पड़ा। माता ने उसे कुछ कुहर साथ में दे दिए और कहा, ये कुहर बेचते हुए जाना। कुहर खाओ कुहर, गरम गरम कुहर। यहाँ तो कोई नहीं है, आगे चलता हूँ। कोहर खाओ कोहर। भूलो कोठी रब मिलन कब होती, भूलो कोठी रब मिलन कब होती, भूलो कोठी रब मिलन कब होती, भूलो कोठी रब मिलन कब होती। ओह, अंदर जाने का तो रास्ता ही नहीं मिल रहा। ठीक है, मैं यहीं से आवाज देता हूँ, शायद कोई सुन ले। कोहर खाओ कोहरा, गरम गरम कोहरा। है कोई साई का प्यारा जो गरम कोहर खाए अपना भाग्य चमकाए? धीरे बोलो बच्चे, धीरे बोलो, अंदर भजन कीर्तन हो रहा है। कौन कर रहा है कीर्तन? रहड़की के सद्गुरु सच्चे साईं सतराम दास साहेब। माता जी ने भी यही नाम बताया था, मुझे उनसे मिलना है, पर मुझे अंदर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। अगर तुम्हें रास्ता नहीं मिल रहा तो वो खुद तुम्हारे लिए रास्ता बनाएंगे। तुम सच्चे मन से पुकारो, सद्गुरु तुम्हें खुद ही मिल जाएंगे। जी अच्छा। कोहर खाओ कोहरा, गरम गरम कोहरा। है कोई साईं का प्यारा जो गरम गरम कोहर खाए अपना भाग्य चमकाए? मुखी नारूमल जी, ये कौन है जो सुबह सुबह इतनी मीठी आवाज में कोहर बेच रहा है? साईं, ये हमारे गांव के एक गरीब किसान ताराचंद का बेटा है जो आपकी भगत का सुनकर कोहर बेचने आया है। पर इतने बड़े भक्ति के कार्यक्रम में उसे कोई अंदर आने ही नहीं देगा। अगर कोई उसे अंदर नहीं आने देगा तो हम खुद उसके पास चलते हैं। कोहर खाओ कोहरा, गरम गरम कोहरा। तुम कौन हो बेटे? जी मैं। बताओ बेटे, सच्चे साईं सतगुरु सतराम दास साहब स्वयं चलकर तुम्हारे पास आए हैं और तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। साईं। उठो बेटे और अपना नाम बताओ। साईं गुलाम कवर। बच्चे, तुम यही जड़वारण में रहते हो? जी साईं। तो तुम इस समय अमृत बेला में यहाँ क्या कर रहे हो? कोहर बेच रहा हूँ साईं। लेकिन कोहर तुम क्यों बेच रहे हो? साईं, आज सुबह सवेरे माता ने मुझे नींद से जगाया और कहा, कवर तू जहाँ का है वहीं जा। अच्छा, फिर तुमने क्या किया? मैंने कहा, माता मैं तो तेरा हूँ, कहाँ जाऊँ? तो माता ने कहा। क्या कहा माता ने? उन्होंने कहा, नहीं बच्चे, तुम रहर की साहिब के दरवेश शहंशाह सतगुरु सतराम दास साहेब जी के हो। हमारे यहाँ तुम उनकी अमानत हो। और तुम उनकी आज्ञा मानकर निकल पड़े? जी साईं। और उन्होंने ही कहा कि मैं जाते जाते रास्ते में कोहर बेचता हुआ जाऊं। आप खाएंगे साईं? तुम्हारी माँ अच्छी तरह जानती थी कि मुझे कोहर अच्छे लगते हैं। लाओ दो। ये लीजिए। बहुत अच्छे, सभी को खिलाओ।
जो हुकुम साईं। बेटा कंवर, कितने पैसे हुए बेटे? पैसे कैसे साईं? ये कोहर भी आपके और ये गुलाम कंवर भी आपका। तो अगर तुम मेरे हो तो मुझसे इतनी दूर क्यों खड़े हो? आओ मेरे गले लगो। जी साईं। बेटा कंवर, तेरे कोहर सफल हो गए, आज तू साई के दर कबूल हो गया। आ चल मेरे साथ। अरे वाह। जोरदार ताली थी मासी जवानी परिवार सुजा परिवार मिली करोटा जन कौमी थे साईं जनी ताज पोशी कदा और उनके वेंदी कदो अचन हो गया वो कीड़ा गाए कीड़ा मगाया कीड़ा गाए कीड़ा मगाया कीड़ा गाए कीड़ा मगाया कीड़ा गाए कीड़ा मगाया गुरबत्री जा पाकी बुलाया गुरबत्री जा साईं सचा सतनाम मुंहिंजी चादर में ढकिजा।
मेरे साईं
I'm sorry.
हनुमान वेंदी आई है साथी चुप 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 ये मान दी टोलिया मां सजी रात इन सा मौज करना से विच को जगा चल परिवार के विच तो साउंड वाले भैया स्टेज का साउंड वाले से बंद करो बाहर का साउंड दो मुझे बाहर में बैठा हूँ बन जाओ जो तेरी मर्जी है अब और न मन भटके अगर ये डिसिप्लिन था तो मैं सची चवां तो मूंखे लॻे थो सुभाणे साईं जेको ॿियो शेर आहे वेंदा ई कोन कोटा में ई रही पवंदा जी हा कैंसिल कोई न थींदो आहे कैंसिल कोई न थींदो आहे तव्हांजो कोटा जो जेको प्रोग्राम हुयो मूंखे ख़बर पई त साईं हिकिड़ी थींदो पर न बाबा ऐं साईं ख़बर ई न पवंदी आहे ॾींहुं उज्जैन मां निकितासीं असांजो आराम कंदासीं पर आराम हराम आहे ख़बर पई त शहनशाह जी धुनी साहिब गोजवानी परिवार जे घर में आराम थियल उते अची करे शहनशाह जे अनहद नाद अनहद धुन जी वाणी जी गूंज हली आहे जे शहनशाह जी रामत ऐं ॿियो वरी रिस्क जो आहे संगत मांखे चए पई आराम ॾींहं असां कोटा में आराम कंदासीं मुंहिंजो आराम थींदो त सचे सतनाम नाम सां थींदो न त आराम थींदो ई चौकट ठीक है ठीक है हे इश्क बड़ी बाजी लगे जो नहीं गाल की जी इश्क इश्क बतरफो थी तो बतरफो होंदो तो कामयाब एक दफो होंदो तो समझी सींदा हूं छा थींदो हे इश्क बड़ी बाजी राजी कर दुनिया या इसको कर राजी राजी मैयत मथे करे साईं खे प्रार्थना करां त साईं जन मंच ते अची विया कीअं चवंदासीं लफ़्ज़ों का टुकड़ा है
अशकों से अशकों से होता है। स्टेज पे आना, मेरे इधर माइक इधर खोला, इधर इधर बाहर अंदर बंद करवा दो स्टेज वाला माइक। आपको आ रहा है जो नहीं आ रहा, बाहर नहीं है वाले। जी तू न जली दे बा से जे मिलती न तुई जीरा असारुली वेंदा से की चुना रे वरी चो जे तू न जली दे असारुली वेंदा से जे मिलती न तुई जीरा असारुली वेंदा से असारुली सभी चो सचो सतरा 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 अंकुश सभी चो सचो सतरा We'll be right back.
अस सुगल पतन वांगुर हेठ गिरी पवंदासे अस वट जी तकिन मानी सदाई वांदासे अस सुगल पतन वांगुर हेठ सदाई वांदा से अस सुबिल पतन वागुर हेठ गिर पवंदा से अस वणजी अखिन मानी सदाई वांदा से अस सुबिल पतन वागुर हेठ गिर पवंदा से अस वणजी अखिन मानी सदाई वांदा से अपनी मेहर विचों कुछ दे करके दया मुझ पे दमदार बाबा हिस्सा दे दिया ना कुछ घटे सच्चा सतनाम तेरा मेरा उपजासी बेरकवार बाबा चाहते तो सच साई कृपा गई गले सा लगायो दीदी धक लग दो एडे ना वनु सकोर खणी हलियो कनिया लोली लाल तुझी किशन झुलाया तुझी मोहन झुलाया धन धन माता यशोदा
साईं जन का नाम बख्शीश जो टाइम वरत है, मैं उन्हें भी वेनती क्या
सुभाने मंझन जो एक बजे बुजवानी परिवार जैन प्यार भरे अंगन में ई 155 श्री नाथपुरम जी एड्रेस बुजवानी परिवार के घर जी उमे अची वनो साई जन उते ताके मंझन जो एक बजे नाम दान दींदा अचो साईं जे दर ते वेठा आहियूं चंद मिंट जे लाइ हाज़िरी लाइ भाउरनि जो चवनि था बाबा साईं आ गया बाबा साईं आ गया है हिकड़ी तुक जे लाइ जे शाहूकार जो यार थींदे त सदाई कर्ज़दार थींदे सदाई जान खां बेज़ार थींदे जे शराबीअ जो यार थींदे त सदाई ख़राब खार थींदे पर मुझे साईं सतराम दास जो यार थींदे त सदाई बाप बाबा थींदे सईंअ चवंदासीं हा मुंहिंजी लॻी साईं असां प्री दुनिया छा ॻाल्हि लॻी साईं असां प्री दुनिया छा ॻाल्हि छा ॻाल्हि Oh, can you just say to Columbia?
जोशा दुनिया चाहता है तो आए शगन जोशा दुनिया चाहता है ओ चाहता है भाई चाहता है ओ चाहता है भाई चाहता है पूरी दुनिया चाहता है पूरी दुनिया चाहता है लगी गुरु सा